वाओ, ग्रीनरी, हरियाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा लुभाती है ये हरियाली हम सबको, कहीं से भी आओ। पर ये क्या, ये तो कुछ सुंदर सुंदर चिड़िया लग रही है और लग रही है कुछ दाना चुग रही है। ये देखो चिड़िया उड़ी, अरे उड़ उड़ के ये तो सीधा आसमान में उड़ गई। अब थक हार के फिर कहीं पर आएगी और ये चुगेगी अपना दाना। चलो करे कुछ इंतज़ाम जिससे इनका दाना कम ना हो पाए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? पक्षियों को पानी, चिड़िया को खाना और कुत्ते को रोटी, ये सब हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में ऐसा कौन सा खाना अपनी चिड़िया को खिला सकते हैं जिसको लेने के लिए आपको मार्केट में भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप अपने घर का एक बहुत महत्वपूर्ण वेस्ट को भी कम करेंगे और चिड़िया का पेट भी भरेंगे। ये देखिए, ये बीज, ये आपको जो बीज लग रहे हैं ना, ये हमारी चिड़िया का खाना है। देखिए, हम लोगों ने सरदा काटा, सरदा को बड़े आराम से अपना फ्रूट लिया और बीज और साथ में छिलके सारे के सारे डस्टबिन में डाल दिए लैंडफिल्स बढ़ाने के लिए। पर अगर आप वही बीज कलेक्ट कर लें और इनको चिड़िया को खिला दें तो देखिए, चिड़िया का पेट भी भर जाएगा, साथ में आपके बीज भी बच जाएंगे और हम लोग कितना मेजर वेस्ट अपने डस्टबिन में जाने में बचा सकते हैं। ये देखिए, ये आधे सर्दे के बीज हैं, इतने सारे, और सोचिए ये सारे बीज जो है वो चिड़िया खा लेगी। बीच में देखिए कुछ सेब के बीज भी मैंने डाले थे। ये देखिए, देखिए मैं तो पार्क में रोज आती हूँ, इसलिए मुझे तो ये पार्क में कंफर्टेबल लगते हैं डालना, क्योंकि चिड़िया यहाँ पर बहुत आती है। पर अगर आपको पार्क में कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप अपने घर में भी इन बीजों को डाल सकते हैं। देखिए, हमने करना तो कुछ भी खास नहीं है, ये बीज हमने कलेक्ट करे। अगर हम पार्क जाते हैं तो बस अपनी ये मिट्टी में इन बीजों को डाल दीजिए, चिड़िया आएगी अपना खाना खुद ले जाएगी। ये देखिए, अगर आप पार्क में नहीं आते, अपने घर पर भी आपकी जो भी विंडो होगी या घर के बाहर की जगह है, इंस्टेड कि आप इन बीजों को सीधा के सीधा डस्टबिन में डालें, आप इनको अपनी चिड़िया को खाना खिला दीजिए। ये एक्टिविटी में तो बच्चे भी बहुत खुश होंगे और देखिए इतने सारे बीज जो है वो हमारे कूड़ा घर में जाने से भी बच जाएंगे। ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है, पर आप सोच सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा है। एक तो हम लोगों के अंदर ये रहेगा कि हमने कुछ भी वेस्ट नहीं करना, और बीज जैसी छोटी चीज़ अगर हमने बचा ली, क्योंकि जितना भी हमारा कूड़ा घर होता है उसमें इतने सारे अलग अलग तरीकों के बीज आते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल आप समझिए सारे कूड़े में मिल जाते हैं और उनका कोई वजूद नहीं रहता। पर यहाँ पर ये हमारी ही चिड़िया जो चहकती है तो कितना ज़्यादा हमें सुंदर सुहाना वो लगता है कि वाह, चिड़िया चहक रही है। अगर हमने अपनी उस चिड़िया को ये बीज खिला दिए तो सोचिए चिड़िया भी खुश, हम भी खुश, और हमारे लैंडफिल्स भी कम हो जाएंगे। हम हिंदुस्तानी पेरेंट्स ज़्यादातर चाहते हैं क्या, अरे हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम उन्हें बाहर भेज देंगे। और मेजर रीज़न क्या होता है, यहाँ पे बहुत गंदगी है। पर गंदगी कोई बाहर से आके तो नहीं फैलाता ना, ये गंदगी भी तो हम ही फैला रहे हैं ना। और हम लोग इसको सोचते हैं, ये लो जी ये फेंक दो वो फेंक दो, पानी वेस्ट हो रहा है होने दो, और फिर इंडिया में तो कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमें तो अपने बच्चे बाहर भेजने हैं, उसके लिए गधों की तरह हम लगे रहते हैं। पर उसके लिए लगने के बजाय अगर हम अपने रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत भी मैनेज करना सीखें और अपनी चीज़ें जो आसपास हमारे कूड़ा घर बहुत ज़्यादा भर रहे हैं उनको हम कम करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान भी स्वच्छ और सुंदर हो, जिससे हमें अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े, हमारी कंट्री में से ब्रेन ड्रेन ना हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो वहीं होंगी जहाँ अच्छे ब्रेन हों। और जैसे ही किसी बच्चे का ब्रेन अच्छा है तो पेरेंट्स को होता है हम मेहनत कर लेते हैं, पैसे जोड़ लेते हैं और अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं। बेसिक रीज़न हमारे देश में ब्रेन ड्रेन का सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज है। अगर हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर अपनी कंट्री में वेस्ट को कम कर देंगे, हमें अपने बच्चे बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे, स्वच्छ सुंदर, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंडिया में हर तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। पर एक सबसे बड़ा रिसोर्स ये भी है कि रिसोर्सेज से जो वेस्ट होता है हम उसको भी
बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो उस वेस्ट को हम एक रिसोर्स में कन्वर्ट करके अनडाउटिंगली इंडिया को नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं।